आज ग्यारसपुर को थाना परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें 15 अगस्त जन्माष्टमी गणेश उत्सव को लेकर बैठक की गई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते शासन की गाइडलाइन के तहत सभी नागरिक पालन करें, 5 लोगों से अधिक कहीं भी इकट्ठे ना हो। सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई, ग्राहकों को मास्क पहनने की सलाह दे और बिना मास्क के किसी को सामान ना दे। कोई व्यापारी नागरिक ग्राहक शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में ग्यारसपुर के सभी गणमान्य नागरिक पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव पूरे विश्व में, प्रदेश में, देश में और जिले में लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में शासन की लगातार मार्गदर्शक गाइडलाइन हम लोगों के लिए आ रही है, जिसका उद्देश्य है कि आपके माध्यम से हम जनसामान्य तक दिशा निर्देश पहुँचाएँ। इसके संबंध में आज मैं शांति समिति की बैठक आयोजित की थी, उसमें हमारे समाज के सभी धर्मों के लोग थे, व्यापारी बंधु थे, मीडिया बंधु थे, सब लोग उपस्थित हुए थे, पुलिस प्रशासन भी थे साथ में। तो आपके माध्यम से जो 7/8/2020 को जो शासन की गाइडलाइन आई है मध्य प्रदेश शासन की, उसके संबंध में चर्चा की गई है और उसमें बताया कि आगामी समय में जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, 15 अगस्त का त्यौहार आ रहा है और भी सामाजिक धार्मिक त्यौहार हैं, जैसे आपका जन्माष्टमी का त्यौहार है या मुहर्रम का त्यौहार है, इस संबंध में शासन की गाइडलाइन आई है। इसको कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमें जो हमारे जो त्यौहार हैं उनको बहुत सादगीपूर्ण तरीके से मनाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना है ना, और कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए मनाना है। इसी संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी, शांति समिति की बैठक, सबको उसके माध्यम से अवगत कराया गया है और उम्मीद करते हैं कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने आगामी त्यौहारों का पालन करेंगे। जी सर, एक चीज़ और देखने की है, जिसको क्वारंटाइन किया जाता है उस परिवार में 2000 परिवारों को वहाँ ब्रेक टेस्ट लगाया जाता है, पर उसकी जिम्मेदारी है कि उनको बराबर ध्यान दिया, उनको जो भी सामग्री चाहिए, तो सर ऐसा कुछ देखने को नहीं आ रहा, लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या वजह है सर? उनको ऐसा मेरे संज्ञान में आया, पहले भी अपन ने कंटेनमेंट जोन बनाया है, लोगों की शिकायत हम तक पहुंची थी कि सर हमारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, तो हमने पहले भी उपलब्ध कराया है, अभी भी एक शिकायत मिली है, तो उसमें हमने तहसीलदार साहब से चर्चा की है, इन्होंने एश्योर किया है कि आज हम खाद्य सामग्री।